लेजर। व्हाट इज लेजर? जर्नल जो है वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती थी, ये हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोग सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते थे, राइट? लेजर जर्नल बनाने के बाद बनाई जाती है और लेजर को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कहा जाता है। लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है, ठीक है? जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस जब हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं तो लेजर की बुक में उन सारे ट्रांजैक्शंस को एक कैटेगरीज में सिमिलर टाइप के आइटम्स को क्लासिफाई किया जाता है। जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद लेजर वाली बुक में हम लोग उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। याद करो, सेकेंड या थर्ड क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल्स लिए थे कि रणबीर से बुक खरीदी या रणबीर से बुक खरीदी, शाहरुख को बुक दी वगैरह वगैरह, और हम लोगों ने कहा था कि हम टी शेप अकाउंट्स बना के इनकी रिकॉर्डिंग करते हैं और ये सारे के सारे अकाउंट्स लेजर नाम की बुक में बनाए जाते हैं, राइट? तो लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, जहां पर जर्नल में सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें क्लासिफाई किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, इन द फॉर्म ऑफ टी शेप्ड अकाउंट्स। तो लेजर में क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टी शेप्ड अकाउंट्स, ठीक? दो चीजें क्या क्या हुई, एक तो लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री बोला जाता है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है, जर्नल के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं। दूसरी चीज हम लोग ने देखी कि सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्लासिफाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टी शेप्ड अकाउंट्स, ठीक है? ओके, तो ये लेजर में जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बनाने के बाद जब हम लोग लेजर बनाते हैं और लेजर वाली बुक में ये सब लिखते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है पोस्टिंग। क्या बोला जाता है? पोस्टिंग, ठीक? तो तीन चीजें बहुत सिंपल, लेजर बनता है जर्नल बनाने के बाद, जर्नल में सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, इस रिकॉर्डिंग के बाद इन्हें क्लासिफाई किया जाता है लेजर नाम की एक बुक में इन द फॉर्म ऑफ टी शेप्ड अकाउंट्स, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग, ठीक है? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। अब आओ देखते हैं कि लेजर किस तरह से बनाया जाता है, एक लेजर अकाउंट किस तरह से बनता है, ये जो टी शेप्ड अकाउंट है इसके रूल्स क्या हैं और ये किस तरह से हम लोग लेजर वाली बुक में बनाते हैं, राइट? तो हम लोगों ने जर्नल में ये वाला एग्जांपल देखा था, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, ये हम लोगों ने देखा था। 5th June 2018 को वी परचेज अ लैपटॉप फॉर 25,000 रुपीज, जिसको हम लोगों ने जर्नल में रिकॉर्ड किया था। लैपटॉप अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज, टू कैश अकाउंट यहाँ पर 25,000 रुपीज बींग लैपटॉप परचेज। लेजर फोलियो में हम लोगों ने यहाँ लिख दिया था 5 और 9, जिसका मतलब हमने बताया था कि लेजर वाली बुक में पेज नंबर 5 पे आपको लैपटॉप अकाउंट मिलेगा और पेज नंबर 9 पे आपको कैश अकाउंट मिलेगा, ठीक है? अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि लेजर पोस्टिंग किस तरह से की जाती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे लैपटॉप अकाउंट, तो ये बनाएंगे हम लैपटॉप अकाउंट, सेंटर में हम लोग लिखेंगे लैपटॉप अकाउंट और उसके बाद हम एक बड़ा सा टी बना लेंगे, हम एक बड़ा सा टी बना लेंगे, एक बड़ा सा टी बना लेंगे, ठीक है? तो लैपटॉप अकाउंट को अगर देखा जाए तो दो पार्ट्स हो गए, दो साइड्स हो गए, ऑलराइट? इन दो साइड्स में से जो लेफ्ट वाली साइड है, इन दोनों साइड में से जो लेफ्ट वाली साइड है ये होती है डेबिट साइड और राइट वाली साइड होती है क्रेडिट साइड। कोई भी लेजर अकाउंट अगर आप लोग बनाओगे तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, लेफ्ट वाली साइड होती है आपकी डेबिट साइड और राइट वाली साइड होती है क्रेडिट साइड, और इसी चीज को इंडिकेट करने के लिए यहां लिखा जाता है DR और यहां लिखा जाता है CR, ठीक है? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इंडिकेट करने के लिए लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं DR और राइट साइड में हम लोग लिखते हैं CR। DR का मतलब डेबिट रिकॉर्ड, CR का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड, राइट? इतना क्लियर है? कोई भी लेजर अकाउंट, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक बड़ा सा टी बनाएंगे, लेफ्ट साइड ऑफ दैट टी विल बी द डेबिट साइड, जिसको हम लोग इंडिकेट करने के लिए यहां पर लिखते हैं DR, और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है जिसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग यहां पर लिखते हैं CR। अब हम लोग हर साइड को, इन दोनों साइड्स को चार पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करेंगे, दोनों साइड्स को चार पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करेंगे, बहुत सिंपल है, वो भी डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो
जर्नल में हम लोग बनाते थे लेजर फोलियो, लेजर्स में हम लोग बनाएंगे जर्नल फोलियो, और अमाउंट। सिमिलरली इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक, ये आपका लेजर अकाउंट का फॉर्मेट तैयार हो गया। देख रहे हो कितना, किस तरह से बनाया हम लोगों ने। पहले सिंपल दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लेफ्ट वाली साइड डेबिट साइड, राइट वाली साइड क्रेडिट साइड। फिर हर साइड को हम लोगों ने चार पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, अब देखो जर्नल एंट्री हमारी थी लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लैपटॉप अकाउंट डेबिट हुआ था, ठीक है ना। जर्नल एंट्री में अगर हम लोग देखें तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट हुआ था, तो जब हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे तो हम लोग लैपटॉप अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, यानी हम लोग सिर्फ इन चार कॉलम से मतलब रखेंगे। हम लोग सिर्फ इन चार कॉलम से मतलब रखेंगे क्योंकि ये चार कॉलम तो डेबिट साइड के हैं, ये चार कॉलम्स क्रेडिट साइड के हैं, तो हमें इन चार कॉलम से कोई मतलब फिलहाल नहीं होगा। ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं। ऑलराइट, तो लेजर पोस्टिंग हम लोग जब करेंगे तो लैपटॉप अकाउंट की डेबिट साइड में हम लोग पोस्टिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि लैपटॉप अकाउंट जर्नल में देखने से पता चल रहा है कि डेबिट हुआ है। ठीक, तो अब देखो सबसे पहले डेट, किस डेट को यह ट्रांजैक्शन हुआ, तो 2018 जून 5, सेम जैसे जर्नल में होता था वैसे ही, राइट। लैपटॉप अकाउंट डेबिट तो हो चुका है, तो लैपटॉप अकाउंट के अंदर मैं यहां पर लैपटॉप अकाउंट करके नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहां पर तो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस ही लैपटॉप अकाउंट से रिलेटेड रिकॉर्ड किए जाएंगे, यानी पोस्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लैपटॉप अकाउंट की डेबिट साइड में मैं यहां लिखूंगा टू कैश अकाउंट। पर्टिकुलर्स में मैंने सिर्फ यहां पर लिखा टू कैश अकाउंट। लैपटॉप अकाउंट डेबिट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो यहां से समझ में आ रहा है। देखो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो लैपटॉप अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लोगों ने लिख दिया पर्टिकुलर्स में टू कैश अकाउंट। जर्नल फोलियो इमेजिनरी, सपोज पेज नंबर 10 पे ये वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया गया था, तो जर्नल फोलियो में लिख दिया पेज नंबर 10। अमाउंट, अब अमाउंट में लैपटॉप अकाउंट कितने से डेबिट हुआ, 25,000 से डेबिट हुआ। ये रहा लैपटॉप अकाउंट कितने से डेबिट हुआ, 25,000 से डेबिट हुआ, तो लैपटॉप अकाउंट की अमाउंट में हम लोग लिख देंगे 25,000 रुपए। सिंपल, डन। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर से देख लो, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट था 25,000 25,000, तो हम लोगों ने लैपटॉप अकाउंट का एक टी शेप्ड अकाउंट बनाया। कैसे बनाते हैं, लेफ्ट साइड होती है डेबिट साइड, राइट साइड होती है क्रेडिट साइड, दोनों साइड को चार चार पार्ट में डिवाइड कर दो, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब यहां पर क्योंकि लैपटॉप अकाउंट डेबिट हुआ था, तो लेजर में भी हम लोग डेबिट साइड में सारी एंट्रीज करेंगे, सारी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ गया ये 25,000 रुपए, राइट। अब कैश अकाउंट का देख लो, यहां पर अगर मैं बनाऊं कैश अकाउंट, तो सिमिलरली कैश अकाउंट भी बनेगा, पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो जर्नल में कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ हुआ है, जर्नल में अगर हम लोग देखें तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ हुआ है। यहां पर अच्छा मैंने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, डेबिट और क्रेडिट, जर्नल में कैश अकाउंट देखने से पता चल रहा है कि वो क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट की जो पोस्टिंग होगी वो यहां पर क्रेडिट साइड में होगी, तो हम लोग कैश अकाउंट की पोस्टिंग इन चार कॉलम्स में करेंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखो, ट्रांजैक्शन की डेट 5th जून 2018, तो कैश अकाउंट में 2018 जून 5th
क्रेडिट साइड में क्यों ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, राइट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेट में लिखेंगे 2018 जून 5 और यहां लिखेंगे बाय लैपटॉप अकाउंट, कितने से, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है 25,000 रुपए से, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे 25,000 रुपए और जर्नल फोलियो में आ गया पेज नंबर 10। ठीक, इसको पढ़ने का तरीका देखो, कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 25,000 रुपीज बाय द लैपटॉप अकाउंट। ठीक, पढ़ने का तरीका देख लो, कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 25,000 रुपीज बाय लैपटॉप अकाउंट, इसलिए यहां पर 2 लिखा जाता है। डेबिट साइड में अगर कुछ भी लिखते हैं तो 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखते हैं तो बाय लिखते हैं। डेबिट साइड में 2 क्यों लिखते हैं, ताकि जर्नल एंट्री आराम से पढ़ी जा सके। लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 25,000 रुपीज बाय लैपटॉप अकाउंट, डन। यही होती है लेजर पोस्टिंग। हम लोग सिंपली जितने भी अकाउंट्स अफेक्टेड हैं उनका एक टी शेप अकाउंट बनाते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, हर पार्ट को 4 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और जो अकाउंट डेबिट होता है उसकी डेबिट साइड में पोस्टिंग करते हैं, जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसकी क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते हैं, सिंपल। ओके, सपोज एक जर्नल एंट्री और लेते हैं, वो है लेट्स से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 75,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000, ये सपोज हुई 30th June 2018 को, 30th June 2018 को जर्नल एंट्री हम लोगों ने की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 75,000। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में कैसे होगी, डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट हुआ हुआ है, तो इसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में डेबिट साइड में होगी, किस डेट को, 30th June 2018, तो 2018 जून 30th और यहां पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट अमाउंट के अंदर 75,000, सिंपल। ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 75,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 75,000 आ गया। जर्नल फोलियो में कुछ भी लिख दो, यहां पर 12 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, अब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट में, कैश अकाउंट में तो हम लोगों ने पोस्टिंग कर ली, ये सेल्स अकाउंट में भी तो पोस्टिंग करनी होगी, तो आओ सेल्स अकाउंट देखते हैं। तो सेल्स अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे, वही सारी चीजें, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट में रुपए, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट में रुपए, ठीक। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ये रहा डेबिट, ये रहा क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की जाएगी, डेट क्या है, 2018 जून 30 और कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो बाय कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है, 75,000 से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है 75,000 रुपीज से, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, सेल्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 75,000 रुपीज बाय कैश अकाउंट, राइट। ओके, आई होप पोस्टिंग समझ में आ गई होगी आप लोगों को, जर्नल एंट्री के बेसिस पे किस तरह से पोस्टिंग की जाती है, आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट हुआ था तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, पर्टिकुलर्स में लिखा टू कैश अकाउंट, अमाउंट में जितने से लैपटॉप अकाउंट डेबिट हुआ। सिमिलरली कैश अकाउंट में बाय लैपटॉप अकाउंट आ गया 25,000 रुपीज से। ठीक, फिर ये वाली एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 75,000, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था तो सेल्स अकाउंट में, पर्टिकुलर्स में बाय कैश अकाउंट 75,000। इस तरह से लेजर पोस्टिंग की जाती है हर जर्नल एंट्री की। ठीक, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस यहां पर होंगे, अगर कैश अकाउंट डेबिट होगा तो उसकी रिकॉर्डिंग यहां पर होगी, उसकी पोस्टिंग यहां होगी, अगर कैश अकाउंट क्रेडिट होगा तो उसकी पोस्टिंग यहां होगी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट होगा तो उसकी पोस्टिंग यहां होगी, क्रेडिट होगा तो उसकी पोस्टिंग यहां होगी। ठीक, सपोज कोई पुराना लैपटॉप पड़ा था 5,000 रुपए की, उसको बेच दिया, कोई हमारे पास पुराना लैपटॉप पड़ा था उसे सपोज 5,000 रुपए में बेच दिया, अगर पुराने लैपटॉप को 5,000 रुपए में बेचेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी,
कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट 5000। यही होगी जर्नल एंट्री। तो कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू लैपटॉप अकाउंट 5000। तो अब देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट 5000, कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट 5000, और यहां पर लैपटॉप अकाउंट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 5000। क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट 5000, लैपटॉप अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 5000। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें बस उसके जो भी अकाउंट्स अफेक्ट होंगे उसके अकाउंट में हमें देखना होगा, अगर वो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दो, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर दो। डन? ओके। अब साल के एंड में बैलेंसिंग की जाती है, साल के एंड में बैलेंसिंग की जाती है। ये हमारा साल कब एंड होगा? 31 मार्च 2019 को एंड होगा। तो अब हम लोग 31 मार्च 2019 को ये हम लोगों ने जो तीन लेजर अकाउंट्स बनाए हैं इनकी बैलेंसिंग करेंगे और इन्हें अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप अकाउंट के बारे में। लैपटॉप अकाउंट के डेबिट साइड का जो टोटल है वो 25,000 रुपीज है और लैपटॉप अकाउंट के क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 5,000 रुपीज है। तो डेबिट साइड का जो टोटल है दिस इज मोर देन क्रेडिट साइड का टोटल बाय हाउ मच? बाय 20,000 रुपीज। ठीक है, तो लैपटॉप अकाउंट का जो टोटल है, डेबिट साइड का जो टोटल है, दिस इज एक्सीडिंग द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड बाय 20,000 रुपीज। तो जो बैलेंस पड़ा हुआ है डेबिट साइड में, एक्सेस पड़ा हुआ है, वो बैलेंस है। हम लोग यहां पर लिखेंगे 2019 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 20,000 रुपीज। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 20,000 रुपीज। ये हम लोगों ने क्यों किया, एक बार फिर से देख लो। लैपटॉप अकाउंट के जो डेबिट साइड का टोटल है वो 25,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल है 5,000। तो क्रेडिट साइड में कम है, कितना कम है? 20,000। तो उसको हम लोग यहां पर बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 20,000 लिख देते हैं, जिससे अब साल के एंड में डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर आ जाता है। इधर का टोटल आएगा 25,000 और इधर का टोटल भी आएगा 25,000। टोटल निकालने के बाद यहां पर डबल लाइन खींचते हैं जैसे मैंने खींची हुई है। ठीक, टोटल निकालने के बाद यहां पर डबल लाइन खींचते हैं जैसे मैंने खींची हुई है। बैलेंसिंग कैसे हो रही है, आई होप समझ में आ गई हो। मैं फिर से बता देता हूं, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट साइड का टोटल कम था। तो हमारे पास डेबिट साइड पे कुछ बैलेंस पड़ा हुआ था। कितना बैलेंस पड़ा हुआ था? 20,000 बैलेंस पड़ा हुआ था। उसको हम उठा के उसे हम कैरी करके क्रेडिट साइड में ले आए, तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर लिख दिया बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना बैलेंस कैरी करके लाए? 20,000। 5,000 तो यहां पर पड़ा ही था क्रेडिट साइड में, तो ये बाय बैलेंस कैरीड डाउन आ गया 20,000 रुपीज। ठीक, अब ये 20,000 रुपीज भले ही लिखा क्रेडिट साइड पे, लेकिन ये हम कैरी करके तो डेबिट साइड से लाए ना, क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा था। तो इसलिए इस बैलेंस को हम लोग बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस। तो लैपटॉप अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 20,000 रुपीज ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को लैपटॉप अकाउंट का 20,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है। दिख क्रेडिट साइड में रहा है, नो डाउट क्रेडिट साइड में दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? द एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट। तो डेबिट बैलेंस है ये, तो इसलिए यहां इसको बोलते हैं लैपटॉप अकाउंट का डेबिट बैलेंस 20,000 रुपए है एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक, अब आ जाओ कैश अकाउंट का। देखो, कैश अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल कितना है? 80,000, राइट? 80,000, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 25,000। तो अब यहां पर भी डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना? 55,000। 80,000 माइनस 25,000 इज 55,000। तो यहां पर अब हम लोग लिखेंगे 2019 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना? 55,000। तो यहां का टोटल आ गया 80,000, डबल लाइन, और यहां का टोटल आ गया 80,000, डबल लाइन। ठीक है, कैश अकाउंट में भी डेबिट का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट का टोटल कम था, तो यहां लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस था? 55,000 बैलेंसिंग फिगर थी। तो अकाउंट्स के टोटल आ गए 80,000 80,000, और इसके नीचे हम लोगों ने यहां पर डबल लाइन खींच दी, राइट? चलो सेल्स अकाउंट को देखो। सेल्स में डेबिट का टोटल है जीरो, सेल्स अकाउंट में डेबिट का टोटल जीरो है, क्रेडिट का टोटल 75,000 है। तो अब इसका क्या है? इसका क्रेडिट बैलेंस है।
सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां आएगा 2019 मार्च 31 टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना 75,000। सेल्स अकाउंट में डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। क्यों टू बैलेंस कैरी डाउन? क्योंकि यहां पर क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर देन डेबिट साइड का टोटल। तो अब यहां पर टोटल आ जाएगा 75,000 डबल लाइन, और यहां भी टोटल आ जाएगा 75,000 डबल लाइन। ठीक है सर। तो हर पीरियड के एंड में, हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जितने भी लेजर अकाउंट्स खुले होते हैं उन सब की बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग किस तरह से की जाती है? हम लोग देखते हैं कि डेबिट का टोटल क्या है, क्रेडिट का टोटल क्या है। जिस साइड का भी टोटल कम होता है उस साइड हम लोग लिख देते हैं बैलेंस कैरीड डाउन। अगर क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, डेबिट साइड में लिखते हैं तो टू बैलेंस कैरीड डाउन। जितना भी बैलेंसिंग फिगर होती है उसको वहां पर लिख देते हैं, टोटल लेके डबल लाइन खींच देते हैं, आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। ठीक। तो लैपटॉप अकाउंट में डेबिट साइड में ज्यादा बैलेंस था, क्रेडिट साइड में कम था, कितना 20,000 का था। तो क्रेडिट साइड में हम लोगों ने लिखा 2019 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000। सिमिलरली कैश अकाउंट में 2019 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 55,000। सेल्स में क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा था, डेबिट साइड का टोटल कम था, तो क्रेडिट वाला बैलेंस जो है वो यहां पर डेबिट में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, कैरी डाउन किया जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 75,000। डन। ओके। अब लेजर का साल के एंड में ये बैलेंस तो क्लोज हो ही गया। ठीक है। हम लोगों ने अच्छा ये भी देख लिया कि लैपटॉप में 20,000 का डेबिट बैलेंस है, कैश में 55,000 का डेबिट बैलेंस है, और सेल्स में 75,000 का क्रेडिट बैलेंस है। राइट। तो अब जब नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा, फ्रॉम 1st April 2019, तो हम लोग कैसे करेंगे, आओ देखो। जब नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा तो इस डबल लाइन के नीचे हम लोग यहां लिखेंगे 2019 अप्रैल 1, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपए। इसे यहां पर क्यों लिखा, डेबिट साइड में क्यों लिखा? क्योंकि सर ये तो डेबिट बैलेंस ही है, ये तो है तो डेबिट बैलेंस ही ना। तो हम लोगों ने जब पिछले साल पीरियड क्लोज किया था तो उसको यहां सिर्फ बैलेंस करने के लिए बाय बैलेंस कैरीड डाउन लिख दिया, और ये बैलेंस तो डेबिट साइड का ही है, तो इसी को ब्रॉट डाउन करके हम लोग यहां पर ले आए थे। इसको हम लोग खींच के नीचे ले आए 20,000 रुपए, और जब पिछले साल अकाउंट क्लोज किया था तो हम लोग पकड़ के कैरी करके लाए थे। राइट। तो हम लोग कैरी करके जब ले जा रहे हैं तो कैरीड डाउन, अगले साल जब हम लोग नया अकाउंट खोल रहे हैं तो उसी साइड से पकड़ के नीचे ले आए, खींच के नीचे ले आए, तो ब्रॉट डाउन। ठीक है। तो लैपटॉप अकाउंट में जब नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा तो डेबिट बैलेंस था, इसलिए डेबिट साइड में 2019 अप्रैल 1 को नया साल स्टार्ट होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपीज। सिमिलरली कैश अकाउंट में भी जब नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा तो हम कुछ ऐसे ही करेंगे। कैश अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस था 55,000 रुपए का, तो यहां लिखेंगे 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000। ठीक है। दिस इंडिकेट्स कि कैश अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 55,000 रुपए। कैश बैलेंस का जो ओपनिंग बैलेंस था वो है 55,000 रुपीज। लैपटॉप अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 20,000 रुपीज। इसके बाद 1920 में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे के सारे हम लोग लैपटॉप अकाउंट में उसी तरह से पोस्ट करेंगे जिस तरह से ये ऊपर वाले ट्रांजैक्शंस पोस्ट किए थे। राइट। ओपनिंग बैलेंस हमारा 20,000 रुपीज लैपटॉप अकाउंट का है। सिमिलरली कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहां पर 55,000 आ गया। अब आ जाओ सेल्स अकाउंट देखते हैं। सेल्स अकाउंट का जब नया साल स्टार्ट होगा तो सेल्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस था या क्रेडिट बैलेंस था? सेल्स अकाउंट का तो क्रेडिट बैलेंस था, 75,000 रुपीज सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2019 मार्च 31 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 75,000 रुपीज। इस तरह से आपकी लेजर की पोस्टिंग की जाती है। ठीक है। ये जिन लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी है उन लोगों को तो पता ही होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उन लोगों को थोड़ा सा एकदम नया नया सा लग रहा होगा। आई एम श्योर दिस इज नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा नया लग रहा होगा,
लेकिन अभी हम लोग जब एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप लोग इसमें काफी कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, लेजर पोस्टिंग किस तरह से करते हैं वो मैं बता चुका हूं, वो समझ में आई होप आ चुकी होगी। उसकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है वो भी समझ में आ गया होगा। जिस साइड का बैलेंस कम होता है, जिस साइड का टोटल कम होता है, उसकी ऑपोजिट साइड का बैलेंस होता है। जैसे यहां पर लैपटॉप में क्रेडिट साइड का टोटल कम था तो डेबिट बैलेंस आ गया था। अगले साल जब अकाउंट फिर से खोलेंगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि डेबिट बैलेंस था। कैश अकाउंट में भी डेबिट का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट का टोटल कम था, तो डेबिट बैलेंस आ गया था। तो नेक्स्ट ईयर जब कैश अकाउंट फिर से खोला जाएगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में लिखेंगे। सेल्स अकाउंट में क्या था, क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, डेबिट का टोटल कम था, तो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था। तो नए अकाउंटिंग पीरियड में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये अप्रैल 1 होगा, 2019 मार्च 31 नहीं, ये अप्रैल 1 होगा नए अकाउंटिंग पीरियड में, अप्रैल 1, 31 मार्च तो यहां पर क्लोज कर दिया, राइट। तो 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 रुपीज। ठीक, लेजर में लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड लेजर को बैलेंस किस तरह से किया जाता है, एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड उस लेजर के बैलेंस का क्या किया जाता है, वो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता चुका हूं। ठीक है, अब लेजर में कुछ और बताने लायक नहीं बचा है। ठीक, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो लेजर कैसे बनता है ये चीज और समझ में आएगी। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, हमें जर्नल भी करनी है और हमें लेजर में भी पोस्ट करना है। ठीक, ऑल्सो बैलेंस दी अकाउंट्स, ऑब्वियसली लेजर में पोस्ट करेंगे तो बैलेंसिंग तो करेंगे। चलो, 2017 अप्रैल 1 निशांत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो चलो ये क्लियर हो गया कि कैश से शुरू किया है और बैंक में डिपॉजिट किया है। बॉट गुड्स फॉर कैश, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, सोल्ड टू तुषार गुड्स ऑन क्रेडिट, बॉट गुड्स फ्रॉम चारू ऑन क्रेडिट, received from Tushar, paid cash to Charu, discount allowed by her, cash sales for the month, paid rent, paid salary to Ramesh. ठीक है, very good. तो और शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जर्नल बनानी है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इन द बुक्स ऑफ निशांत और जर्नल डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट रुपए क्रेडिट रुपए। ठीक है, यहां पर अब मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, आप लोग चाहो तो मैं समझाता रहूंगा, आप लोग चाहो तो लिख लेना। ठीक है, पहले फॉर्मेट बना लो। इन द बुक्स ऑफ निशांत जर्नल डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ निशांत जर्नल, आई एम अज्यूमिंग फॉर्मेट बना चुके हो आप लोग। चलो शुरू कर रहे हैं, 2017 अप्रैल 1, सबसे पहले निशांत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस कमेंस्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस कमेंस्ड 1,00,000 रुपए। ठीक है सर, कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए बीइंग बिजनेस कमेंस्ड। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 बीइंग बिजनेस कमेंस्ड, कैश मेरा एसेट है बढ़ रहा है, कैपिटल मेरा कैपिटल है बढ़ रहा है। ठीक, इतना अब आप लोगों को आ चुका है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डिपॉजिटेड इनटू बैंक 70,000 रुपए। तो ठीक है, अप्रैल 2 डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक कितना 70,000। ठीक है सर, लिख लो इसको, बैंक भी मेरा एसेट है, बैंक बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, कैश मेरा एसेट है कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो 2 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 70,000। डन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या इसको चाहो तो कर लो बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपए। ठीक है, तो अप्रैल 3
purchases account debit to cash account being goods purchased for cash. कितना? 5000. और 5000 purchases expense है, बढ़ रहा है, cash asset है, कम हो रहा है. purchases account debit 5000 to cash account 5000 being goods purchased for cash. आप लोग इसे कॉपी करो, मैं तब तक लाइन खींच लेता हूं. purchases account debit to cash 5000 being goods purchased for cash 3rd April. next transaction देखें, 4th April drew cash from bank for office 1000 rupees. bank में से पैसा निकाला. तो April 4 cash account debit to bank account being cash withdrawn from bank for office use 1000. कैश मेरा एसेट है, कैश अगर मैं विथड्रॉ करूंगा तो कैश बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा. तो कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू बैंक अकाउंट 1000 रुपए बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000 being cash withdrawn from bank for office use. ठीक, next transaction देखते हैं. 13th April is sold to Tushar goods on credit 1500 रुपए के. ठीक है, sales हुई है तो sales account तो credit ही होगा और debit क्या हो जाएगा? Tushar. तो April 13 Tushar debit, नाम है, नाम के आगे हम account word नहीं लगाते. तो Tushar debit to sales account 1500 being goods sold to Tushar on credit. Tushar debit to sales account. Sales हुआ है, sold to Tushar goods on credit, तो sales हुआ था. Sales होता है तो हम लोग sales account तो credit होगा ही होगा, revenue है, revenue बढ़ रहा है. Tushar मेरा debtor बन जाएगा, debtors मेरे assets होते हैं, asset बढ़ता है तो उसको debit करते हैं. तो तुषार डेबिट 1500 टू सेल्स अकाउंट 1500 बीइंग गुड सोल्ड टू तुषार ऑन क्रेडिट. ठीक है, बीइंग गुड सोल्ड टू तुषार ऑन क्रेडिट. फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. बॉट गुड्स फ्रॉम चारू ऑन क्रेडिट. चारू से अब हम लोगों ने उधार पे माल खरीदा है. तो अप्रैल 20th purchases account debit तो होना ही होना है टू चारू. चारू अब मेरे लिए liability बन गई, चारू मेरी creditor हो गई, तो चारू मेरे लिए liability बन गई. तो liability का balance जब increase होता है तो हम लोग उसको credit करते हैं. being goods purchased from चारू on credit done. तो ये हो गया 2250. मैं लाइंस खींच देता हूं, आप लोग कॉपी करो. 20th अप्रैल परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चारू 2250. परचेजेस क्यों डेबिट होगा? क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है. चारू क्यों क्रेडिट होगी? क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी बन चुकी है, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे. बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम चारू ऑन क्रेडिट. ठीक है सर, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें. 24th अप्रैल रिसीव्ड फ्रॉम तुषार 1500 रुपए. तो तुषार को 13th अप्रैल को 1500 रुपए का माल उधार पे बेचा था, तुषार ने 24 अप्रैल को 1500 रुपए का माल 1500 रुपए हमें दे दिए. बहुत अच्छा बच्चा है तुषार. अप्रैल 24th कैश अकाउंट डेबिट टू तुषार 1500 बीइंग पेमेंट received from Tushar. ठीक, कैश क्यों डेबिट? क्योंकि एसेट है, बढ़ रहा है. तुषार क्यों क्रेडिट? क्योंकि अब ये डेटर मेरा खत्म हो जा रहा है. जब तुषार मेरा डेटर बना तो मैंने उसको डेबिट किया था,
अब ये मेरा डेटर खत्म हो जाएगा, तो डेटर का बैलेंस कम होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू तुषार बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम तुषार, कैश अकाउंट डेबिट होगा 1500 से, तुषार क्रेडिट हो जाएगा 1500 से। इसको कोई डिस्काउंट हम लोगों ने दिया भी या नहीं है, तो डिस्काउंट अलाउड करके कुछ नहीं आएगा। तुषार को 1500 का माल उधार पे बेचा तो तुषार ने पूरा का पूरा 1500 हम लोगों को दे दिया है। तो कैश अकाउंट डेबिट 1500 टू तुषार 1500। नेक्स्ट एंट्री देखें, April 28th पेड टू चारू 2150, डिस्काउंट अलाउड बाय हर 100 रुपए, ठीक है। तो 2250 का माल हमने चारों से खरीदा था उधार पे, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ 2150 और डिस्काउंट हम लोगों ने ले लिया 100 रुपए का, ठीक है। तो April 28th, अब क्या करेंगे, चारू मेरी लाइबिलिटी थी, अब ये लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो चारू को डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी का बैलेंस जब कम होता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो चारू डेबिट होगी पूरी की पूरी 2250 से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 2150 का पेमेंट हमने कर दिया और 100 रुपए का हम लोगों ने इससे डिस्काउंट ले लिया, तो 2150 प्लस 100 रुपए 2250। अब हमें चारू को कुछ और पेमेंट तो करना नहीं है, तो चारू हमने डेबिट कर दिया 2250 से। उसके बाद हम करेंगे टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, 2150 100 रुपए। यहां हम करेंगे बींग पेमेंट मेड टू चारू एंड डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, सिंपल, बींग पेमेंट मेड टू चारू एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। तो चारू डेबिट 2250 से पूरा, टू कैश अकाउंट 2150, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपए, बींग पेमेंट मेड टू चारू एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 30th अप्रैल कैश सेल्स फॉर द मंथ 8000 रुपए, ठीक है। तो अप्रैल 30th कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग कैश सेल्स फॉर द मंथ 8000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8000 बीइंग कैश सेल्स फॉर द मंथ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8000 बीइंग कैश सेल्स फॉर द मंथ। नेक्स्ट 30th अप्रैल को पेड रेंट 500, पेड सैलरी टू रमेश 3000 रुपए। अच्छा, अब यहां पर लिखा है सैलरी टू रमेश, ठीक है, सैलरी टू रमेश लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने देखा था कि अगर एक्सपेंस है तो वो हमेशा डेबिट ही होगा। एक्सपेंस अगर है जैसे सैलरी टू रमेश है तो हम लोग कभी भी रमेश को क्रेडिट या डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हम लोगों ने देखा था। एक्सपेंस में कभी भी जिसको भी पेमेंट किया जाता है उसका नाम हम लोग नहीं लिखते, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पेमेंट कैश के थ्रू किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अप्रैल 30th दो चीजें हुई, रेंट और सैलरी। तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड एंड सैलरी पेड टू रमेश। इसको आप लोग चाहते तो अलग अलग भी लिख सकते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट वाले में नरेशन आपका आ जाता बीइंग रेंट पेड, सैलरी में आ जाता बीइंग सैलरी पेड टू रमेश, ठीक है। क्योंकि हम साथ में कर रहे हैं इसलिए हम लोग रेंट एंड सैलरी पेड टू रमेश नहीं करेंगे, इससे गलत इंपैक्ट आएगा कि रेंट भी रमेश को ही पे किया गया है, राइट। हम लोग सिर्फ यहां लिखेंगे बीइंग रेंट पेड एंड सैलरी पेड टू रमेश। तो रेंट कितना था 500 रुपए और सैलरी थी 3000 रुपए, तो ये आ गया मेरा 3500 रुपए। तो 30th अप्रैल का लास्ट जो ट्रांजैक्शन था वो भी हम लोगों ने कर लिया, रेंट अकाउंट डेबिट 500, सैलरी अकाउंट डेबिट 3000, टू कैश अकाउंट 3500 बीइंग रेंट पेड एंड सैलरी पेड टू रमेश।
जर्नल तो हमारा हो गया, अब लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, अभी बनाते हैं। जर्नल तो अब आई होप बहुत आसान लगने लग गया होगा आप लोगों को। 30th अप्रैल को रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड टू रमेश, ठीक, आई एम अस्यूमिंग हो गया है। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेजर को बनाने की जो मेथोडोलॉजी हम लोग अपनाएंगे, एक काम करते हैं, एक एक एंट्री को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एंट्री में क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग जिससे, क्योंकि एग्जाम में तो आप लोगों को आसानी हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब कैश अकाउंट आया सबसे पहले, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कैश अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। और कैश अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे के सारे पहले कैश के लेजर अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट, ठीक, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और रुपए, इसको ऐसे लिख दो, अमाउंट रुपए, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपए, ठीक है। ये फॉर्मेट बनेगा, सेंटर में कैश अकाउंट लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट लेफ्ट और राइट साइड में लिखते हैं, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, लेजर है तो जर्नल फोलियो बनेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेट बना लो आप लोग कैश अकाउंट का, उसके बाद शुरू करते हैं। चलो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है 2017 अप्रैल 1 को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है तो मैं इस साइड लिखूंगा, राइट, डेबिट हो रहा है तो मैं इस साइड लिखूंगा क्योंकि ये डेबिट साइड है। कैश अकाउंट जब भी डेबिट होगा तो उसकी पोस्टिंग मैं इस साइड करूंगा, लेफ्ट वाली साइड करूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा 2017 अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितने से, 1,00,000 रुपए से। ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हुआ था, कैश अकाउंट 1,00,000 रुपए से डेबिट हुआ था, तो मैंने यहां पर कैश अकाउंट को 1,00,000 रुपए से डेबिट कर दिया और यहां पर्टिकुलर्स में लिख दिया टू कैपिटल, इंडिकेटिंग दैट द कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड एंड कैश अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो कैश अकाउंट में पहला ट्रांजैक्शन 2017 अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए, ठीक, इतना क्लियर है, राइट। ये बना भी लिया होगा आप लोगों ने, नहीं बनाया तो बना लो जल्दी से। 2017 अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 2 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस वाले ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है और अगर कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट होगा तो मैं पोस्टिंग इस साइड करूंगा, मैं पोस्टिंग राइट साइड करूंगा, ठीक। तो मैं यहां लिखूंगा 2017 अप्रैल 2, डेबिट क्या हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो ठीक है, मैं यहां लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट 70,000 रुपए, ठीक है। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 70,000 रुपीज बाय बैंक अकाउंट ऑन 2nd of April, ठीक है। इस तरह से चलती है अपनी, यहां पर क्लॉकवाइज आके अपनी साइकिल खत्म हो जाती है। कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 70,000 रुपीज बाय बैंक अकाउंट ऑन 2nd of April 2017, ठीक। तो कैश अकाउंट क्योंकि इसमें क्रेडिट हुआ था इसलिए इसकी पोस्टिंग हम लोग यहां पर राइट साइड में करेंगे, ठीक है। तो 2017 अप्रैल 2 बाय बैंक अकाउंट 70,000 रुपीज, आई होप ये हो गया। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो यहां पर फिर से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहां पर फिर से कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो हम लोग इसकी पोस्टिंग करेंगे यहां पर, यहां पोस्टिंग करेंगे इसकी। तो इट वॉज अप्रैल 3, ठीक, बाय परचेजेस अकाउंट, कितने से, 5,000 रुपए से। यही जर्नल एंट्री थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश थी 5,000 रुपए। तो कैश अकाउंट
has been credited with 5,000 rupees by purchases account on 3rd of April 2017. कर लो इसको, यहां पर हमारा आ जाएगा by purchases account 5,000 रुपए. कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की जाएगी, ठीक है ना. तो कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 5,000 रुपीज बाय परचेजेस अकाउंट ऑन 3rd of April, राइट. चलो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजैक्शन. ये 3rd of April वाला हो गया. 4th April को कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. तो अब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी, ठीक. कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहां पोस्टिंग होगी अप्रैल 4 टू बैंक अकाउंट. कितना पैसा निकाला है इसने, 1,000 रुपए. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपए. देखो यहां पर साइकिल चलती है, लेफ्ट साइड चलती है यहां पर, और यहां पर राइट साइड से चलती है, राइट. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपए. और इधर जब हम लोगों ने किया था तो क्या किया था, कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 5,000 रुपीज बाई परचेजेस अकाउंट ऑन 3rd of April. यहां करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपए, ठीक है, ऑन अप्रैल 4th, राइट. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,000 रुपए. ये वाला ट्रांजैक्शन भी आप कॉपी कर चुके होंगे. तो 4th अप्रैल के बाद नेक्स्ट 13th अप्रैल तुषार अकाउंट डेबिट टू तुषार डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो इसमें तो कैश का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, तुषार डेबिट हुआ है, सेल्स क्रेडिट हुआ है. तो कैश अकाउंट ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, तो इसकी जो पोस्टिंग है वो कैश अकाउंट में तो होगी ही नहीं. नेक्स्ट देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चारू, इसमें भी ना कैश डेबिट हुआ है ना कैश क्रेडिट हुआ है, तो इसकी पोस्टिंग ना इसकी पोस्टिंग कैश में होगी नहीं. नेक्स्ट 24th अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू तुषार. तो 24th अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, और कैश अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो हम इसकी पोस्टिंग यहां करेंगे. अप्रैल 24 कैश अकाउंट डेबिट टू तुषार, कितने से, 1,500 रुपए से. कैश अकाउंट डेबिट टू तुषार 1,500 रुपए, ठीक है. 24th अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो 24th अप्रैल को कैश की पोस्टिंग हम लोग यहां पर डेबिट साइड में करेंगे क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू तुषार 1,500 रुपए और 24th अप्रैल, ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, 28th अप्रैल को आ जाता है चारू डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है. चारू डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. अब देखो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुई है चारू. कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुई है चारू. तो यहां पर क्रेडिट साइड में हम लोग अप्रैल 28 करके बाय चारू तो लिख ही देंगे क्योंकि कैश अकाउंट को डेबिट करने वाला है चारू का अकाउंट, राइट. तो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम लोग बाय चारू तो लिख ही देंगे. यहां पर अमाउंट कितना लिखेंगे, यहां पर अमाउंट कितना लिखेंगे, क्या हम यहां पर अमाउंट 2250 लिखेंगे जिससे चारू डेबिट हुई है, या हम अमाउंट 2150 लिखेंगे जिससे कैश क्रेडिट हुआ है. हम अमाउंट में 2250 लिखेंगे या 2150 लिखेंगे, तो सर हम अमाउंट में 2150 लिखेंगे. हम कैश का लेजर अकाउंट बना रहे हैं ना, हम चारू का अकाउंट जब बनाएंगे तब हम 2250 लिखेंगे. हम अभी तो कैश का अकाउंट बना रहे हैं ना, कैश कितने से क्रेडिट हुआ है, कैश 2150 से क्रेडिट हुआ है, राइट. कैश जो है वो 2150 से क्रेडिट हुआ है और चारू जो है वो 2250 से डेबिट हुई है. लेकिन कैश को क्रेडिट करने वाला जो अकाउंट है वो तो चारू का अकाउंट है. अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस एंट्री को और तोड़ के दिखाता हूं मैं. ये जो एंट्री है ना, ये वाली जो एंट्री है इसको मैं तोड़ के दिखाता हूं. पहले तो मैं इसको यहां पर एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, पहले मैं इसे एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको तोड़ के दिखाता हूं. ध्यान देना, चारू डेबिट 2150 टू कैश अकाउंट 2150 और चारू डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये 100 रुपए और ये 100 रुपए. हमारी ये जो एक कंपाउंड जर्नल एंट्री है, ये जो जर्नल एंट्रीज होती हैं जिनमें सिर्फ एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है, इसको बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री, ठीक है. लेकिन अगर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो जाते हैं या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो जाता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री. तो ये जो हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री है, चारू डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इसको अगर हम तोड़े सिंपल जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करें तो ये आता है चारू डेबिट टू कैश अकाउंट 2150 और चारू डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 रुपए.
अब इसके बेसिस पे अगर मैं बोलूं कि लेजर पोस्टिंग आप करो, तो यहां पर कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप बाई चारू तो लिखोगे ही लिखोगे और अमाउंट आप 2150 लिखोगे, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इस वाली जर्नल एंट्री में भी अगर हम लोग देखें तो कैश अकाउंट तो सिर्फ 2150 से क्रेडिट हुआ था ना, तो कैश के क्रेडिट साइड में जो अमाउंट का कॉलम है उसमें हम लोग सिर्फ 2150 लिखेंगे, ना कि 2250, ठीक है। तो कैश का जो क्रेडिट कॉलम है यहां पर हम लोग लिखेंगे 2150, बाई चारों 2150। आई होप ये समझ में आ गया। कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट सिर्फ 2150 से हुआ है, बाकी के जो 100 रुपए क्रेडिट है वो डिस्काउंट में क्रेडिट हुआ है, राइट। लेकिन कैश अकाउंट मेरा सिर्फ 2150 से क्रेडिट हुआ है, लेकिन ये डेबिट चारू से ही हुआ है, तो यहां पर मैं लिखूंगा बाई चारू 2150, ठीक। लिख लो इसको, कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 2150 बाई चारू अकाउंट ऑन 28th of April, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 28th अप्रैल को ये वाला ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड हो गया, फिर 30th अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8000 रुपए। 30th अप्रैल को कैश अकाउंट फिर से डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग पोस्टिंग करेंगे। क्या पोस्टिंग करेंगे? अप्रैल 30th टू सेल्स अकाउंट 8000 रुपए, सिंपल, ठीक है ना। अप्रैल 30th टू सेल्स अकाउंट 8000 रुपए, ठीक। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8000 रुपए। ध्यान देने वाली बात बस यही है कि अमाउंट के कॉलम में हम लोग वो वाली फिगर्स लिखेंगे जिनसे कैश अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ के बाकी अकाउंट्स कितने से डेबिट हो रहे हैं, कितने से क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8000 रुपए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आता है हमारा रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो मैं कैश के लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इसकी पोस्टिंग करूंगा, और डेबिट क्या क्या और है, रेंट और सैलरी, ठीक है ना। ओके, तो मैं यहां पर लिखूंगा अप्रैल 30th बाय रेंट अकाउंट, अप्रैल 30th बाय सैलरी अकाउंट। कितने से? रेंट अकाउंट की वजह से कैश कितना क्रेडिट हुआ है? रेंट अकाउंट की वजह से कैश सिर्फ 500 क्रेडिट हुआ है, और सैलरी अकाउंट की वजह से कैश 3000 क्रेडिट हुआ है। तो मैं यहां पर रेंट के सामने लिख दूंगा 500 रुपए और सैलरी के सामने लिख दूंगा 3000 रुपए, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट 500, सैलरी अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 500 रुपीज बाई रेंट अकाउंट, एंड कैश अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 3000 रुपीज बाई सैलरी अकाउंट। आई होप ये समझ में आ गया। जिन्हें नहीं आया, मैं इसको भी अभी दो सिंपल जर्नल एंट्रीज में पोस्ट तोड़ के अभी समझाता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग इसको कॉपी कर लो। 30th अप्रैल को बाई रेंट अकाउंट बाई सैलरी अकाउंट 500 और 3000, ठीक है। 30th अप्रैल को बाई रेंट अकाउंट 500, 30th अप्रैल को बाई सैलरी अकाउंट 3000 रुपीज। जिन्हें अब नहीं समझ में आया वो इधर देखो, मैंने इसको किया कॉपी, ठीक। रेंट अकाउंट डेबिट 500, सैलरी अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट 3500। अब इसको अगर मैं सिंपल जर्नल एंट्रीज में ब्रेक करूं तो मैं क्या करूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500, ठीक। और सैलरी अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट 3000। अब इसके बेसिस पे अगर मैं पोस्टिंग करता, अलग अलग पोस्टिंग करता, तो कैश अकाउंट को मैं क्रेडिट करता 500 से बाय रेंट लिख के, और कैश अकाउंट को मैं क्रेडिट करता 3000 से बाय सैलरी लिख के, ठीक है। बस यही मैंने यहां पर भी किया हुआ है, यही मैंने इस वाली एंट्री के थ्रू भी किया हुआ है, बस यही है। अगर कभी भी किसी कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करने में आप लोगों को दिक्कत आए तो ऑलवेज ब्रेक इट इंटू एज मेनी सिंपल जर्नल एंट्रीज एज पॉसिबल, ठीक है। ऑलवेज ब्रेक इट इंटू एज मेनी सिंपल जर्नल एंट्रीज एज पॉसिबल, उसके बाद पोस्टिंग बहुत आसान हो जाएगी, ठीक। तो अब देखो, सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, ये लास्ट ट्रांजैक्शन था, सारे ट्रांजैक्शंस हो गए। अब आओ इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे? पहले हम लोग डेबिट कॉलम का टोटल देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्रेडिट कॉलम का टोटल देखेंगे। तो डेबिट कॉलम का अगर हम लोग टोटल देखें तो आ रहा है 110,500 रुपए। ये देखो इधर 110,000
₹500। ठीक, क्रेडिट कॉलम का अगर हम टोटल देखें तो ये आ रहा है ₹80,650। तो क्रेडिट कॉलम का जो टोटल है वो कम है, डेबिट कॉलम का टोटल ज्यादा है, तो मतलब इस अकाउंट में डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है। डेबिट बैलेंस है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। उसके बाद यहां पर हम टोटल्स लगा देंगे, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 110,500 माइनस ये ऊपर वाला सारा टोटल, तो ये आ जाता है 29,850। बाय बैलेंस कैरीड डाउन में क्या आता है, लेफ्ट का टोटल माइनस राइट का पूरा टोटल, तो ये आ जाएगा 29,850 रुपीज, जिससे ये टोटल्स जो है ये मेरे मैच कर जाएंगे, जिससे मेरे ये जो टोटल्स हैं ये टोटल्स मैच कर जाएंगे। ठीक है, बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया हुआ है। हम लोगों ने दोनों कॉलम्स की टोटलिंग की, हम लोगों ने डेबिट के अमाउंट कॉलम की टोटलिंग की विच केम टू 1,10,500 रुपीज, हम लोगों ने क्रेडिट के कॉलम्स की टोटलिंग की विच केम डाउन टू 80,650 रुपीज। तो टोटल ऑफ द डेबिट कॉलम वॉज मोर देन द टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम, तो हम लोग बोलेंगे कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है। कितना बैलेंस है, जितना भी इनका डिफरेंस होगा, तो हम लोग अकाउंट्स के टोटल्स को मैच करने के लिए यहां क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कैरी मतलब डेबिट साइड से कैरी करके लाए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में May 1 क्या करेंगे, अगले पीरियड में 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, यही 29,850, यही बैलेंस हमारा ब्रॉड डाउन था बस। तो यह आपका कैश अकाउंट बन जाता है। ये सर आपका कैश अकाउंट बनके तैयार हो जाता है, यह आपका कैश अकाउंट बनके तैयार हो जाता है। दिस रिप्रेजेंट्स कि अगले पीरियड में ओपनिंग बैलेंस जो है वो 29,850 रुपीज है। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स कि अगले पीरियड में 1 मई को जब फिर से अकाउंट बनाया जाएगा कैश का, तो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 29,850 रुपीज होगा। ठीक है, ये डेबिट साइड में क्यों लिखा, डेबिट साइड में लिखा इसलिए क्योंकि ये डेबिट का बैलेंस है, राइट। ऊपर भी तो डेबिट का टोटल एक्सेस में आ रहा था, तो वही जितना भी एक्सेस था टोटल वही हम लोगों ने यहां पर लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,850 रुपीज, राइट। तो इधर आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 29,850, टोटल्स आए, टोटल्स के बाद डबल लाइन खींचते हैं, तो हम लोगों ने भी यहां पर डबल लाइन खींची है। और उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,850। ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ऊपर से खींच के हम लोग बैलेंस को ले आए। ठीक है, तो कैश का मेरा जो लेजर अकाउंट है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। डन, बना लो इसको जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। 2-3 लाइंस ही तो लिखनी है, लिख लो। चलो नेक्स्ट अकाउंट पे मूव कर रहे हैं। फिर से पहली जर्नल एंट्री से देखेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट का तो हम लोग लेजर अकाउंट बना चुके हैं, अब आओ कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, आप लोगों को फिर से बनाना पड़ेगा, सो सैड। ठीक, कैपिटल अकाउंट ये लो, मेरा तो फॉर्मेट बन गया, मैं वेट कर रहा हूं आपका। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट बना लो इसको, बनाओ तो आगे बढ़े। चलो, तो हम लोगों ने देखा था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए, तो कैपिटल अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी जो पोस्टिंग मैं करूंगा कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट साइड में करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं करूंगा 2017 अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट 1,00,000 रुपए। तो कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 1,00,000 रुपीज बाय कैश अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2017। ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 1,00,000 रुपीज बाय कैश अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2017। तो लिख लो इसको,
डन, चलो देखते हैं फिर। तो पहली जर्नल एंट्री कर ली, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें कैपिटल नहीं है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें भी कैपिटल नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें भी कैपिटल नहीं है। तुषार डेबिट टू सेल्स, इसमें भी कैपिटल नहीं है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चारू, इसमें भी कैपिटल नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू तुषार, इसमें भी कैपिटल नहीं है। चारू डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इसमें भी कैपिटल नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसमें भी कैपिटल नहीं है। रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें भी कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल से रिलेटेड तो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन था, तो कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करने के लिए और कुछ है ही नहीं। तो बस आओ इसको क्लोज कर देते हैं। क्लियरली इस अकाउंट का 1 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट का टोटल 0 है, क्रेडिट का टोटल 1 लाख रुपए। तो इस अकाउंट का 1 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम लोग यहां लिख देंगे 2017 अप्रैल 30th। जो बैलेंसिंग की जाएगी, जो क्लोजिंग की जाएगी, वो हमेशा लास्ट डेट ऑफ द मंथ की जाएगी या लास्ट डेट ऑफ द ईयर की जाएगी। अभी हम लोग एक महीने के अकाउंट्स बना रहे हैं, एक महीने का लेजर अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए लास्ट डे ऑफ द मंथ में क्लोजिंग की जा रही है, बैलेंसिंग की जा रही है। तो यहां आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। इधर हमेशा बाई आएगा, इधर हमेशा टू आएगा, तो बैलेंस कैरीड डाउन तो वही रहेगा, बस यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, कितना 1 लाख रुपए, ठीक है ना। तो अब इसका टोटल लेना होगा, डबल लाइन खींचनी होगी, और उसके बाद मई 1 में यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए। ठीक है सर, बस इतना जरा सा प्यारा सा था आपका कैपिटल अकाउंट। एक ही ट्रांजैक्शन था, बाय कैश अकाउंट इधर कर दिया, इसका जो बैलेंस है वो इधर आ जाएगा, तो टू बैलेंस कैरी डाउन इधर आ गया, और फिर 1st of May को इसी को हम लोग खींच के ले आएंगे, May 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए। बना लो इसको, डन। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। कैश अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया, बैंक अकाउंट, अब बैंक का लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो आओ इसी को कॉपी कर लूं मैं, तो आप लोगों को बनाना होगा, आप लोग बना लो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना लिया है, आप लोग बना लो बैंक अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है चलो शुरू कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें तो कुछ था नहीं। 2nd of April को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी, 2nd April को होगी। तो बैंक अकाउंट में 2017 अप्रैल 2 टू कैश अकाउंट, कितना 70,000 रुपए, ठीक है। तो सबसे पहली पोस्टिंग क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000 रुपीज, ये 2nd of April को हुई थी, तो इसमें हम लोगों ने डेट में डाल दिया 2nd April। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 70,000 रुपीज, डन। नेक्स्ट देखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें तो है नहीं। 4th April को कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब यहां पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी, बाई कैश 1,000 रुपए ऑन 4th of April, ठीक है। तो बैंक के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा 2017 अप्रैल 4 बाई कैश अकाउंट,
और यहां पर आ जाएगा 1000 रुपए। ठीक है, बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 1000 रुपीज बाय कैश अकाउंट ऑन 4th of April 2017। अब तो ये लेजर पे भी पकड़ आ गई होगी, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ? कैश की वजह से क्रेडिट हुआ। कितने से क्रेडिट हुआ? 1000 से क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 1000 रुपीज बाई कैश अकाउंट। राइट, नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं, 4th April को तो हो गया। तुषार टू सेल्स इसमें नहीं है, परचेजेस टू चारू, कैश टू तुषार, चारू टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश टू सेल्स, रेंट सैलरी टू कैश, बस खत्म। तो बैंक में भी कोई और ट्रांजैक्शन था ही नहीं, बैंक में कोई और ट्रांजैक्शन था ही नहीं, तो बैंक अकाउंट भी अब क्लोज कर देते हैं। अब देखो, डेबिट का टोटल 70,000 रुपए आ रहे हैं, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 1000 रुपीज। तो क्लियरली इसका डेबिट बैलेंस है 69,000। तो डेबिट बैलेंस है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे 30 April बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कितना? 69,000 रुपीज। ठीक, और उसके बाद इधर May 1, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 69,000 रुपीज। ये मेरा बैंक अकाउंट भी बनके तैयार हो गया। ये मेरा बैंक अकाउंट बनके भी तैयार हो गया। बैंक में इन दोनों ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था। तो 30 April को हम लोग इस अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे, क्लोज करेंगे इस अकाउंट को। तो क्लोज करने पे हम लोग देखेंगे कि टोटल डेबिट का टोटल 70,000 है, क्रेडिट का टोटल सिर्फ 1000 रुपए। तो हम लोग क्रेडिट साइड में इसको मैच करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बाय बैलेंस कैरीड डाउन लिख देंगे 69,000 रुपीज, और ये टोटल्स आ जाएंगे मेरे 70,000। और फिर 1 May को जब ये अकाउंट फिर से खोला जाएगा तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा इसका 69,000 रुपीज। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 69,000 रुपीज। राइट, बैंक अकाउंट हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर से देखते हैं, कैश हो गया, कैपिटल हो गया, बैंक हो गया, कैश हो गया, परचेजेस अकाउंट। अब परचेजेस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो मैं परचेजेस अकाउंट बनाने के लिए भी कॉपी कर लेता हूं फॉर्मेट। आप लोग परचेजेस अकाउंट का फॉर्मेट अपनी बुक्स में बना लो, अपने रजिस्टर्स में, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। करें सर शुरू? चलो, तो पहली जर्नल एंट्री में कुछ नहीं था, सेकंड में कुछ नहीं था, थर्ड में 3rd of April परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 रुपए। तो हम लोग परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड में 3rd of April को लिखेंगे टू कैश अकाउंट 5000 रुपए। आओ लिख देते हैं, 2017 April 3rd टू कैश अकाउंट 5000 रुपए। Purchases account debit to cash account. Purchases account debit to cash account 5000 रुपए. 3rd April. ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये हो गया परचेजेस टू कैश 5000, 5000 कैश टू बैंक, तुषार टू सेल्स, परचेजेस टू चारू April 20th। तो 20th April को परचेजेस हमें, हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू चारू 2250। April 20th टू चारू 2250। ये
टू कैश अकाउंट पाँच हज़ार तो पहले लिख चुके थे। 20th अप्रैल को 2,22,50 2,250 रुपीज। ठीक, चलो आगे देखते हैं। 20th अप्रैल तक कर चुके थे। 24th अप्रैल को कैश तुषार चारू, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश सेल्स रेंट सैलरी कैश, बस खत्म। परचेजेस में और कोई ट्रांजैक्शन था ही नहीं, तो अब इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ अप्रैल 30 क्लियरली इसका बैलेंस 7,250 है, इधर का बैलेंस जीरो है, तो इधर आ जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन 7,250 राइट। फिर टोटल्स ले लेंगे, ठीक है, और फिर इधर आ जाएगा May 1-2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,250, मेरा परचेजेस अकाउंट भी बन गया राइट। मेरा परचेजेस अकाउंट भी बन गया। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। Once you get the hang of it ना, उसके बाद तो ये बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। अभी जिन लोगों ने पहले किया है उनके लिए तो आसान होगा, जो लोग पहली बार कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा होगा कि क्या यार लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, या क्रेडिट में लिख रहे हैं बाय बैलेंस तो इसको डेबिट बैलेंस क्यों बोल रहे हैं, उसके बाद टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर रहे हैं। बट एक बार ना थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, दो क्वेश्चन अगर खुद से करोगे तो अपने आप ये सारी चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी, खुद से लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना। चलो तो परचेजेस अकाउंट हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। कैश हो गया, कैपिटल हो गया, बैंक बना लिया, कैश बना लिया, परचेज बना लिया, कैश बना लिया, कैश बना लिया, बैंक बना लिया। तुषार बनाते हैं, अब तुषार का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है सर। तो तुषार का अकाउंट बनाने के लिए भी मैं फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं, आप लोग फॉर्मेट बना लो। तुषार, तुषार का भी बहुत छोटा सा अकाउंट है, एक दो ट्रांजैक्शंस ही तो थे। एक बार उसको उधार पे माल बेचा था, उसके बाद उसे पैसा दे दिया था, कोई डिस्काउंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो तुषार का अकाउंट भी बहुत आराम से बन जाएगा, आप लोग एक छोटा सा उसका फॉर्मेट बना लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तुषार वाला ट्रांजैक्शन था 13th अप्रैल को, तुषार डेबिट टू सेल्स 1,500 रुपए। तो तुषार के डेबिट साइड में हम लोग करेंगे 13th अप्रैल टू सेल्स अकाउंट 1,500 रुपए। तुषार में 13th अप्रैल टू सेल्स अकाउंट 1,500 रुपए। ठीक, तुषार में 13th अप्रैल टू सेल्स अकाउंट 1,500 रुपए। उसके बाद कोई, उसके बाद कौन सा ट्रांजैक्शन था 13th अप्रैल का, तो ये हो गया तुषार डेबिट टू सेल्स। फिर परचेजेस टू चारू, कैश टू तुषार 24th अप्रैल को आ जाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू तुषार 1,500 रुपए। तो 24th अप्रैल को तुषार अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अच्छा यहाँ पर मैंने डेट तो लिखी नहीं, चलो डेट लिख देते हैं, अप्रैल 13 टू सेल्स अकाउंट 1,500, इसको मिटा देते हैं। और यहाँ 2017 अप्रैल 24th आई गेस, यस अप्रैल 24th बाय कैश अकाउंट 1,500 रुपये। बस तुषार का अकाउंट तो क्लोज्ड है ही, तुषार के अकाउंट में तो कोई बैलेंस है ही नहीं, ना बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना कैरीड डाउन है, ठीक है। डेबिट का टोटल 1,500, क्रेडिट का टोटल भी 1,500, तो तुषार का अकाउंट वैसे ही क्लोज्ड है।
तुषार के अकाउंट में कोई बैलेंस बचा ही नहीं, ना डेबिट बैलेंस ना क्रेडिट बैलेंस। जितने से तुषार डेबिट हुआ उतने से ही तुषार क्रेडिट भी हो गया, सिंपल। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कैश हो गया, कैपिटल बैंक कैश परचेजेस, ये तुषार सेल्स अकाउंट बनाते हैं हम, तो सेल्स अकाउंट बनाएंगे। उसके लिए भी मैं अपना फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग फॉर्मेट बना लो। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। शुरू करें। सबसे पहले सेल्स का ट्रांजैक्शन था हमारा ये 13th अप्रैल को, तुषार डेबिट टू सेल्स। तो 13th अप्रैल को 1500 से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय तुषार। तो 13th अप्रैल यहां पर क्रेडिट करेंगे, तो 2017 अप्रैल 13 बाय तुषार 1500 रुपए। 13th अप्रैल बाय तुषार 1500 रुपए, ठीक है। राइट, 13th अप्रैल बाय तुषार 1500 रुपए। अब हम लोग देखते हैं उसके बाद था कुछ सेल्स में, तुषार टू सेल्स हो गया, परचेजेस टू चारू, कैश टू तुषार, हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आया 30th अप्रैल कैश टू सेल्स, 30th अप्रैल आया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में यहां पर आ जाएगा अप्रैल 30th बाय कैश अकाउंट 8000 रुपए। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में 30th अप्रैल को आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 8000 रुपए। इसके बाद सेल्स का कोई ट्रांजैक्शन था नहीं, तो क्रेडिट का टोटल है 9500, डेबिट का टोटल है 0। तो हम इसको क्लोज करेंगे अप्रैल 30th टू बैलेंस कैरीड डाउन 9500, इधर भी टोटल 9500, इधर भी टोटल 9500, और इधर आ जाएगा मे 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9500। ठीक है, वैसे हमारा सेल्स अकाउंट बन गया। सबसे पहला ट्रांजैक्शन 13th अप्रैल को बाय तुषार 1500, फिर 30th अप्रैल को बाय कैश 8000, बैलेंस कैरी डाउन 9500, फर्स्ट मे को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9500, सेल्स अकाउंट डन। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कैश कैपिटल बैंक कैश परचेजेस कैश कैश बैंक तुषार सेल्स, ये भी हो गया। परचेजेस अकाउंट बना लिया था हमने, परचेजेस अकाउंट बनाया था हमने, आई गेस बना लिया था, हाँ ये परचेजेस अकाउंट हमने बना ही लिया था। तो परचेजेस चारू अकाउंट बनाते हैं, अब चारू का अकाउंट बना लेते हैं। तो सर मैं तो फॉर्मेट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग अपना फॉर्मेट बना लो। चारू, फॉर्मेट बना लो। ठीक है,
चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो चारू का था वो ये था, अप्रैल 20th परचेजेस टू चारू। ठीक, तो 20th ऑफ अप्रैल को चारू के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे बाय परचेजेस अकाउंट 2250। अप्रैल 20th बाय परचेजेस अकाउंट 2250। ठीक है, 2250 बाई परचेजेस अकाउंट, चारू के अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया 20th of April 2017 को। तो चारू अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 2250 बाई परचेजेस अकाउंट ऑन 20th of April 2017। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये तो हो गया था, फिर कैश टू तुषार, चारू डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो 28th अप्रैल को चारू डेबिट हुई है, चारू का अकाउंट डेबिट हुआ है 28th अप्रैल को टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ठीक है, आओ इसको कर लेते हैं। 2017 अप्रैल 20th टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना 2150 और 100 रुपये, सिंपल। ठीक है, अगर डेट्स सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने ऊपर कहीं लिखा था, शायद नहीं लिखा था, हाँ ये अप्रैल 30th। तो अगर यहां पर आप लोग डेट्स नहीं भी लिखो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2150 और 100 रुपये, बस चारों का अकाउंट भी क्लोज हो गया। 2250 इधर का टोटल आ गया और इधर का टोटल भी 2250 आ गया। ठीक है, चारों का अकाउंट क्लोज हो गया। Right, sir. How's the Josh? Hi, sir. चारू का अकाउंट हो गया बंद। चलो अब देखते हैं और क्या बचा। कैश कैपिटल बैंक कैश परचेजेस कैश कैश बैंक तुषार सेल्स परचेजेस चारू कैश तुषार तुषार कैश डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट अभी बचा है। हम लोगों ने डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट नहीं बनाया है, तो हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बना लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, आप लोग जरा फॉर्मेट बनाएं, हम भी फॉर्मेट बना रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक ही तो ट्रांजैक्शन है डिस्काउंट रिसीव्ड का। ये देखो यहां से भी देख सकते हो, ये तो अब जर्नल एंट्री नहीं देखेंगे, देख भी सकते हैं वैसे, लेकिन मैं आप लोगों के कॉर्ड ट्रिक बता रहा हूं करने की। आप लोग पहले फॉर्मेट बना लो तब बताते हैं। डन, देखो चारू के अकाउंट में यहां पर लेफ्ट साइड में लिख के आ रहा है टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में यहां पर राइट साइड में लिख के आएगा बाय चारू। अप्रैल 28th क्या फिगर है डिस्काउंट रिसीव्ड के आगे, 100 रुपए, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो क्रेडिट हुआ है 100 रुपए से, ये रहा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 100 रुपए बाय चारू अकाउंट ऑन 28th of April, सिंपल। चारू में अगर ये लेफ्ट साइड में लिख के आ रहे हैं, डेबिट साइड में लिख के आ रहा है, तो इसके क्रेडिट साइड में चारू लिख के आएगा, अमाउंट वही रहेगा 100 रुपए। ठीक है ना, अमाउंट वही रहेगा 100 रुपए। अगर दिक्कत है इसकी पोस्टिंग में, अगर इसकी पोस्टिंग में दिक्कत है तो ये देखो यहां पर हम लोगों ने तोड़ के दिखाई ही थी, ये थी ना एंट्री ये, तो इसमें कैश डेबिट चारू डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव था, इसको हम लोगों ने अगर सिंपल में कन्वर्ट किया था तो चारू डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हुआ था 100 रुपए से, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में 100 रुपए करेंगे बाई चारू, तो यही यहां पर किया है हम लोगों ने। ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड में बाई चारू किया है 100 रुपए से, और कोई ट्रांजेक्शन था नहीं। तो अप्रैल 30th
टू बैलेंस कैरीड डाउन 100 रुपए, ये टोटल, ये डबल लाइन और May 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 100 रुपए, हो गया आपका चारों का अकाउंट भी बंद, वो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी बंद हो गया। ठीक है सर, आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी बंद हो गया, बन गया मतलब। आई एम श्योर अब तो पकड़ में आई गई होंगी चीजें। डन, चलो देखते हैं और क्या बचा है। रेंट और सैलरी वाले अकाउंट्स भी बचे हुए हैं, रेंट का 500 रुपए और 3000 सैलरी का, ऊपर वाला सब कुछ कर लिया था, बस ये दो अकाउंट्स बचे हैं, रेंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट, तो इसको भी बना लेते हैं। रेंट अकाउंट जर्नल एंट्री अगर हम लोग देखें तो ये हुई थी रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट अकाउंट 500 रुपए से डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ है, कैश, तो ठीक है। रेंट अकाउंट April 30th टू कैश अकाउंट 500 रुपए, और यहां पर April 30th बाय बैलेंस कैरी डाउन 500 रुपए। May 1, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन 500 रुपए, बना लो। आई नो मैंने बहुत तेजी कर दिया है इसको, बहुत तेजी कर दी इसको बनाने में। कुछ था ही नहीं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश था। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आ जाओ ये वाली सिंपल एंट्रीज में देख लो। ये जो जर्नल एंट्री थी इसको भी हम लोगों ने दो सिंपल एंट्रीज में कन्वर्ट किया ही था, ये देखो। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट में डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश 500 रुपीज, यही हम लोगों ने किया यहां पर। बना लो फॉर्मेट वॉर्मेट सब। ठीक है, अब सैलरी अकाउंट बचता है तो उसको भी इसी को कॉपी करके कर देता हूं मैं। सैलरी अकाउंट बस 3500 और 3500 नहीं 3000 था, सैलरी वाला अमाउंट तो 3000 था ना, टोटल अमाउंट 3500 था। हाँ, सैलरी अकाउंट तो सिर्फ 3000 से डेबिट हुआ था, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा 3000 रुपए से, 3000 और ये 3000। ठीक, रेंट और सैलरी अकाउंट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से बना लो इसको। तुम लोग सोच रहे हो काश एग्जाम में भी ऐसे ही कंप्यूटर वगैरह मिल जाता, आप लोग भी ऐसे ही कॉपी वॉपी करके कर देते। मेरा तो बहुत मन करता था, जब मैं पढ़ रहा होता था तब मेरा बहुत मन करता था कि यार एग्जाम कंप्यूटर्स में होना चाहिए, लैपटॉप्स मिलने चाहिए या ऑनलाइन पेपर होना चाहिए। तो ये अकाउंट्स वगैरह बनाने के लिए जो पेन और स्केल से हम लोगों को लाइन वगैरह खींचनी होती है, ऊपर इतनी सारी लाइंस लिखनी होती हैं, बैलेंस करने के लिए कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करनी होती हैं, ये सारी आराम से बच जाएंगी। बट एनीवे सून वी विल रीच देयर एज वेल।
डन, चलो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, होमवर्क में कर लेना, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, रेंट अकाउंट तो बन ही गया होगा, ठीक है ना, चलो कूल cool.